हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक डेंसिटी। सो कई न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम इसका यूज़ करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप उसको डायरेक्टली याद करते हैं तो हो सकता है अप्लाई करते समय आप मिस्टेक करें, इसलिए इसके कंसेप्ट एंड डेरिवेशन को समझ लीजिए, तब आप आसानी से इसके फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब एटॉमिक डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन मटेरियल। तो इसे जानने के पहले हमें मोलार मास के कंसेप्ट को समझना जरूरी होगा। सो फ्रेंड्स, मोलार मास क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन का मोलार मास है 12। सो अगर मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लूँ तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.02 × 10³। सो अब सपोज मान लीजिए कि मेरे पास जो भी मटेरियल दिया गया है उसका वॉल्यूम है V एंड उसका डेंसिटी है रो। तो यहाँ पे रो यानी रेजिस्टिविटी नहीं, डेंसिटी है। डेंसिटी के लिए भी हम सिंबल रो यूज़ करते हैं। सो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए यहाँ से मुझे मिलेगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो अब मुझे ज़रा बताइए कि अगर किसी सब्सटेंस का जो मोलार मास है उतना ग्राम, अगर मैं वो सब्सटेंस लूँ तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे? एवोगाड्रो के इक्वल, है ना। तो अगर मैं m ग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस लूँ तो उसके अंदर कितने एटम्स रहेंगे? मुझे नहीं पता, तो मैं उसे x कह देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा x इंटू मोलार मास इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इंटू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ x का आंसर होगा एन ए इंटू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल m। अब m की फॉर्मूला यहाँ से देखिए क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इस वॉल्यूम को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाकर डिवाइड करूँगा, सो मुझे मिलेगा x बाय v इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एन ए डिवाइड बाय मोलार मास इनटू रो यानी डेंसिटी। अब जरा बताइए ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक डेंसिटी। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक डेंसिटी का मुझे फॉर्मूला मिला एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस। तो देखा आपने डेरिवेशन कितना आसान है। तो इस तरह से आप अगर कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला याद रखेंगे तो एग्जाम में आप कभी गलत नहीं अप्लाई कर सकते, और अगर आप भूल भी गए तो इसे आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। सो आगे जब मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा इसे कैसे अप्लाई करना है। मुझे लग रहा है आप इसके डेरिवेशन को समझ गए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा हॉल इफेक्ट के कंसेप्ट को। थैंक यू सो मच।